बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है। आज था वीकेंड का वार का सैटरडे एपिसोड, जहां पर फुल ऑन ड्रामा, सरप्राइजेस, शॉक, सलमान खान की डांट फटकार, कुछ इंटरेस्टिंग टास्क, तो वही घर में नई दोस्ती, तो दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़े, तो वही नई दुश्मनी की शुरुआत, तो वही प्यार भरी मुलाकात, घर में आए नए मेहमान, और भी बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हुई जो आज के एपिसोड को फुल ऑन इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और फुल ऑन ड्रामे से भरी हुई बनाती है। तो चलिए, आज का एपिसोड इतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा तो अब इसकी हाइलाइट्स के बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि रश्मि देसाई और विशाल मिलकर फिर से पास्ता चुराकर खा लेते हैं। बिग बॉस रश्मि और विशाल को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया है। पहले तो वो थोड़ा सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही बिग बॉस का टोन सुनते हैं वो दोनों सीरियस हो जाते हैं। बिग बॉस उन्हें डांट लगाते हैं और साथ ही कहते हैं कि बाहर अनाउंसमेंट की जाए कि जिन लोगों को लग्जरी बजट मिला है वो बचा हुआ सामान स्टोरेज रूम में रख दे। और जैसे ही वो लोग बाहर ये अनाउंसमेंट करते हैं तो बाकी घर वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला और विशाल का झगड़ा हो जाता है और उनके बीच में भयंकर फाइट होती है। एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को उंगली दिखाना इन दोनों के बीच में होता है। यहाँ पर रश्मि कहती हुई नजर आती है कि हम दोनों ने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया और बस मस्ती मजाक में हुआ। पारस छाबड़ा बिग बॉस से साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि आप आगे से कोई भी लग्जरी बजट टास्क करवाना ही नहीं तो मैं भी ऐसे ही चोरी करूंगा और फिर देख लेना आपको जो करना है सो करना है। सभी घर वाले जिन्हें लग्जरी बजट मिलता है वो साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि वो अपना सामान नहीं देने वाले। माहौल काफी खराब हो जाता है, लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, सिद्धार्थ शुक्ला अपने शॉर्ट्स के अंदर सोफा पर बैठे चाय पी रहे होते हैं और सडन एंट्री होती है सलमान खान की। सलमान को यूं अपने सामने देखकर सिद्धार्थ का हाल बेहाल हो जाता है। सलमान खान उनके साथ थोड़ी मस्ती करते हुए नजर आते हैं और फिर सडन मून पर चिल्लाते हुए नजर आते हैं। सलमान को यूं चिल्लाता हुआ देखकर सभी घर वाले आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। सलमान घर वालों को डांट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं कि आप लोगों के अंदर कोई सेंस है या नहीं। आप लोगों को इतनी बार बताया गया कि वीकेंड का वार का शूट होने वाला है, सेम टाइम है, फिर भी आप तैयार नहीं है। ये सिर्फ केयरलेसनेस है और कुछ नहीं, ये घर कभी बदल ही नहीं सकता। इसके साथ ही सलमान खान बताते हैं कि ये जो सडन मेरा टोन चेंज हुआ, ऐसा ही आपके साथ होता है जब आप घर में बात करते हैं। बाहर दर्शकों को ऐसा ही फील होता है जब आप बात करते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि सर आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। इसके बाद घर में बाकी प्रक्रियाएं शुरू होती है। सलमान खान सिद्धार्थ से कहते हैं कि अब तो जो हो गया है सो आप जाकर तैयार हो जाएं। सिद्धार्थ शुक्ला तैयार होकर वापस आ जाते हैं। सलमान खान फिर सिद्धार्थ से कहते हैं कि आप इस घर के कैप्टन हैं तो किंग हुए। शतरंज के गेम के बेसिस पे आप बताएं कि कौन सा सदस्य शतरंज का कौन सा प्यादा है। फिर सिद्धार्थ अपनी सूझबूझ से पारस को ऊंट बताते हैं, शहनाज को हाथी और रश्मि को बताते हैं घोड़ा, कि उन्हें कोई समझ नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए वो फ्लूट मारती रहती है, उन्हें पता ही नहीं है। इस चीज को लेकर इस दौरान सिद्धार्थ बीच में फंबल करते हैं और ये चीज रश्मि को डिस्टर्ब करती है और इस डिस्टर्बेंस से ये होता है कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का यहाँ पर झगड़ा हो जाता है और वो भी सलमान खान के सामने। सलमान खान माहौल को देखकर बीच में कुछ बोलने का कोशिश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये सब चीजों को इग्नोर करके एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखते हैं। माहौल काफी गर्मा जाता है एंड देन सिद्धार्थ अपनी बात कंटिन्यू करते हुए सभी प्यादों के नाम बता देते हैं। इस दौरान सलमान खान घर वालों को सिर्फ उनकी लेटलतीफी के लिए डांट लगाते हैं। किसी घर वाले से वो कुछ खास नाराज नहीं दिखते हैं, डांट फटकार नहीं लगाते हैं। इसके अलावा कलर्स पर प्रसारित होने वाले नए शो शुभारंभ के स्टार कास्ट यहाँ पर अपने शो के प्रमोशन के लिए आते हैं और साथ ही सलमान खान इसके साथ घर वालों को एक टास्क देते हैं, शुभारंभ टास्क, जहाँ पर सलमान खान सभी घर वालों से एक सवाल पूछते हैं और उसके साथ उन्हें उस चीज का शुभारंभ करते हुए नारियल फोड़ना होता है। जैसे कि सिद्धार्थ शुरुआत करते हैं दुश्मनी की शुरुआत शेफाली जरीवाला के साथ, आसिम दूरी की शुरुआत पारस छाबड़ा के साथ, पारस चेला बनाने की शुरुआत आसिम के साथ, और इस तरह से सलमान खान के हर एक स्टेटमेंट पर सभी घर वाले नारियल फोड़ कर अपनी नई शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही कॉलर ऑफ द वीक का कॉल भी आता है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। वो उनसे पूछते हैं कि जब आसिम आपके साथ थे तो आप उन्हें अपना चेला बुलाते थे, अब आप पारस के साथ हैं तो आप बताएं कि आप क्या पारस के चेले हैं। इस चीज को लेकर सिद्धार्थ और कॉलर के बीच में 5 मिनट तक कन्वर्सेशन होती है। सलमान खान कॉलर को बताते हुए नजर आते हैं कि आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ काट ही देंगे, इसलिए इतना काफी है, रहने दो। इसके साथ ही गेस्ट के तौर पर दिव्या खोसला कुमार की भी एंट्री होती है। वो सलमान खान के साथ अपने गाने याद पिया की आने लगी पर डांस करते हुए नजर आते हैं और फिर दिव्या ये भी कहती है कि हम दोनों के म्यूजिक वीडियो हनी हनी पर डांस करते हैं। इसके साथ ही सलमान खान घर वालों की गलत फहमियों के गुब्बारे भी फोड़ते हुए नजर आते हैं, जहां पर घर वाले एक बार फिर से एक दूसरे पर तीखी तलवार चलाते हुए नजर आते हैं।
इतनी सारी मस्ती और टास के बाद सलमान खान बताते हैं कि देवोलीना भट्टाचार्य जी की तबीयत खराब है, उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। इस वजह से अभी फिलहाल के लिए देवोलीना अपना ट्रीटमेंट करवाने वाली हैं और वो अभी घर से बेघर हो रही हैं। लेकिन जब वो अच्छा फील करेंगी तो वापस घर में आएंगी और आपके साथ कम्पीट करेंगी। तो इस तरह से आज के एपिसोड में देवोलीना भट्टाचार्य जी घर से चली गई हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 के वीकेंड का वार के सैटरडे एपिसोड की हाइलाइट्स। और इसी तरह से इस सीजन के हर एपिसोड की हाइलाइट्स, कई चटपटी टेढ़ी मसालेदार खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।